रास्ते में पड़ी इन पांच चीजों को कभी भी लांग कर ना गुजरें, वरना जिंदगी बन जाएगी नरक। जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार हमें रास्ते में कई सारी चीजें पड़ी हुई दिख जाती हैं। अक्सर सभी लोग ऐसी अजीब चीजों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं या उनसे दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुस्साहस दिखाने के चक्कर में ऐसा नहीं करते। इस तरह के लोगों के जीवन में विचित्र घटनाएं शुरू होते देर नहीं लगती और उनका जीवन नरक की तरह बन जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि सड़क पर पड़ी किन पांच चीज़ों को भूलकर भी लांघकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर एक, रास्ते में रखे भोजन को कभी ना लांगे। अगर आपको रास्ते या चौराहे पर भोजन रखा हुआ दिखाई दे तो उसे भूल कर भी नहीं लांगना चाहिए और ना ही टच करना चाहिए। इस तरह का भोजन पितरों के लिए रखा जाता है, जिससे टच करने या लांगने से आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लग सकता है। नंबर दो, बाल का गुच्छा दिखाई दे जाना। सड़क पर चलते हुए अगर आपको बालों का गुच्छा दिखाई दे जाए तो इसे अपशगुन माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक बालों के गुच्छे का संबंध राहु से होता है, इसलिए अगर आपको सड़क पर बालों का गुच्छा दिखाई दे जाए तो ना उसे लांगे और ना ही पैर से मारें, इसके बजाय उसके पास से बचकर निकल जाएं। नंबर तीन, घोड़े की नाल या कील से बचकर निकलें। अगर आपको रास्ते में लोहे की कील या घोड़े की नाल दिखाई दे तो उससे बचकर निकलें। कई लोग अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए इस तरह के टोने टोटके करके इन चीजों को रास्ते में फेंक देते हैं, इसलिए इस तरह लोहे की चीजों को कभी लांगना नहीं चाहिए। नंबर चार, पूजा सामग्री के ऊपर से कभी ना गुजरें। कई बार जाने या अनजाने में घर की पूजा सामग्री को सड़क के किनारे या चौराहे पर रख देते हैं। इस तरह मिलने वाली सामग्री को ना तो कभी ठोकर मारनी चाहिए और ना ही उसे लांघकर आगे बढ़ना चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में भगवान का अपमान होता है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। नंबर पाँच, नींबू मिर्च लांघना, मुसीबत को बुलाना। घर दुकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए अक्सर कई लोग नींबू मिर्च का गुच्छा टांग लेते हैं। ऐसा करके वे अपने काम धंधे को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रास्ते में कहीं पर इस तरह नींबू मिर्च पड़े मिल जाएं तो उन्हें कभी भी लांघकर आगे ना बढ़ें, इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।